हाय जी दोनों कृति। तो आज हम बनाने सुपर चॉकलेटी डेयरी मिल्क फज। सबसे पहले हमने लिया है आलमंड्स और वॉलनट, इन दोनों को रोस्ट रखे हम अच्छे से कट करना है। अब इसमें हम डाल रहे हैं कंडेंस मिल्क। वैसे हाँ गाइस, अगर आपको डेयरी मिल्क पसंद है जल्दी से कमेंट में रेड हार्ट कमेंट कर दो, और आपको डालना है कंडेंस मिल्क उतना जितना आपका ड्राई फ्रूट्स हो। ऊपर से हमने डाल दिया मेल्टेड डेयरी मिल्क, और से और चॉकलेटी बनाने के लिए हमने डाल दिया इसमें कोको पाउडर। अब हम इसे गैस पर 5 मिनट के लिए पकाना होगा, और इसमें हमने डाल दिया 1 टेबलस्पून जितना बटर। ये ना इसके बाद हमें लगा कि थोड़ा और थिक होना चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा सा कंडेंस और डाल दिया था। ये पकने के बाद इसे कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप का हो जाना चाहिए कि थोड़ा सा ये यू नो काइंड ऑफ थोड़ा सा ठीक हो जाए, ऐसा हो जाना चाहिए। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे एक प्लेट पे बेकिंग पेपर रख के उसके बाद इसे अच्छे से फ्लैट कर देंगे। इसे हम ना जितने देर फ्रिज में रखेंगे ना ये उतना ज़्यादा चुई होता जाएगा। तो हमने इसके बाद फ्लैट कर दिया, ऊपर से हमने डाल दिया कोको पाउडर। अब इसमें ऊपर से डाल दिया हमने ड्राई फ्रूट थोड़ा डेकोरेट करने के लिए। इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना, और जितना ज़्यादा देर रखोगे उतना अच्छा लगेगा। और देखो ये इतना सुंदर लग रहा है, जस्ट लुक एट दिस। और ये बहुत टेस्टी था, अगर आप भी बीच में से खाते हो ना तो कमेंट में बताना मुझे। सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय।